धन्यवाद। मैं कमलेश शाह, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया नेशनल ब्रोकर एसोसिएशन ऑफ इंडिया विच इज नोन एज एनमी। हमने आज का जो इवेंट है वो स्टॉकटिक पे रखा हुआ है। ये हमारा एक सिग्नेचर इवेंट है जिससे कि हम टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी मेंबर्स को मुहैया करवाते हैं। आज टेक्नोलॉजी एक ग्रोथ इंजन बन गया है। ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि बाकी सारे फंक्शंस के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। बहुत सारी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे रिस्क मैनेजमेंट है, क्लाइंट से कनेक्ट करना है, इन्वेस्टर बेस बढ़ाना है, ये सारी चीज़ के लिए भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। और हम चाहते हैं कि एनमी द्वारा हमारे मेंबर्स को ये जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसका हम इंट्रोड्यूस करवाए। यहाँ जो वेंडर्स है वो सारे कंट्री से आए हुए हैं और मेंबर्स का पार्टिसिपेशन भी पूरे कंट्री से यहाँ पे है, और इससे काफ़ी जागरूकता बढ़ती है। आगे जाके टेक्नोलॉजी एक मेन स्ट्रीम चीज़ होगी जो कि मेंबर्स को ग्रोथ करने में, बिजी आसानी से बिजनेस करने में, और उसके अलावा उसके जो सारे फंक्शंस है उसको प्रॉपरली हैंडल करने में उपयोगी होंगे। सर, आज ऑनलाइन ट्रेडिंग और फिजिकल ट्रेडिंग तो दोनों हो रही है, तो आप बताइए कि ऑनलाइन ट्रेडिंग कितनी हो रही है, फिजिकल ट्रेडिंग कितनी हो रही है? नहीं, अभी तो सारा ऑनलाइन ट्रेडिंग ही है। अभी इसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग में भी अभी अल्गो का यूज होता है जो कि ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के लिए जाना जाता है। इंडिया में 55-60% जो ट्रेड होते हैं वो ऑटोमेटेड ट्रेड होते हैं और बाकी मैनुअल है, जबकि वर्ल्ड ओवर में करीब 80-85% ट्रेड ऑटोमेटेड होते हैं। तो अब ये जो टेक्नोलॉजी अब जो हमें उपलब्ध हो रही है उसकी वजह से हम ये अल्गो को और पॉपुलर कर पाएंगे। हम ये चाहते हैं कि अल्गो टेक्नोलॉजी रिटेल इन्वेस्टर को भी मुहैया कराई जाए। अभी ये कुछ प्रॉप डेस्क और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट यूज़ करते हैं, मगर जब ये सुविधा रिटेल इन्वेस्टर को मिलेगी तो उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा और उनको भी ट्रेड करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अभी जो हमारा ट्रेड हो रहा है वो आप मोबाइल से भी कर सकते हो, मगर ये अल्गो टेक्नोलॉजी और नई नई टेक्नोलॉजी आने से उसमें और आसानी होगी, उसमें जो ह्यूमन एरर होगी वो सारी एलिमिनेट हो जाएगी, सेंटिमेंट सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, वो प्री डिफाइंड पैरामीटर्स के ऊपर काम करेगी और उससे रिटेल इन्वेस्टर को काफ़ी फ़ायदा होगा। कमलेश भाई जो हम लोग, कमलेश श्रॉफ हूँ, एनमी का डायरेक्टर। हम लोग ने एक सर्वे भेजा था जो जानना चाहते थे कि कितने लोग या कितना प्रतिशत अपना जो टेक्नोलॉजी में ब्रोकर्स इन्वेस्ट करते हैं या बेसिकली स्पेंड करते हैं ऑन अ ईयरली बेसिस। हम लोग इन्वेस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जितना आप टेक्नोलॉजी में डालेंगे उतना ही आप, उतना आपका कंपनी बड़ा होएगा। हम लोग ने देखा है बड़े बड़े कंपनीज जैसे ज़ीरोधा है एक्सेट्रा, वो लोग ने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके दे हैव बीन एबल टू ग्रो क्वाइट लार्ज। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव द सर्वे सेड दैट एवरी ईयर 33% इंक्रीज इज देयर आईटी स्पेंडिंग्स में। तो वो लोग आईटी स्पेंडिंग्स में 33% इंक्रीज करते हैं। सेकेंड इज के कितना परसेंट एज राइटली सेड के इज नाउ डिजिटल। सो इट इज़ एवरी ईयर पीपल आर इंक्रीजिंग देयर फोकस, यानी CKYC, KYC, वो सो थोड़ा भी मैनुअल रहता था, हर एक साल 40% ईयर ऑन ईयर वो इंक्रीज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में करने के लिए। एंड साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा थ्रेट है, एज वी इंक्रीज अपना टेक्नोलॉजी, दूसरे साइड उसका जो अदर साइड है वो है अपना हाउ टू कीप योर सिस्टम्स फ्री ऑफ मालावेयर्स, फ्री ऑफ ऑल दीज वायरसेस, सो दैट कोई हैक ना करे। तो उसके लिए भी 92% ऑफ द पीपल, वी सेड हाउ मच फेथ डू यू थिंक दैट
अपना साइबर सिक्योरिटी जो है वो कैसे, तो उनको 92% ऑफ द पीपल फेल्ट दैट नाउ वी आर सेफ बिकॉज ऑफ साइबर सिक्योरिटी मेजर्स बीइंग टेकन बाय सेबी एक्सचेंजेस एंड इवन ब्रोकिंग कंपनीज. सो वैसे करके ये एक हम लोग ने 900 मेंबर्स को ये एक क्वेश्चनर भेजा था जिसे हर एक का एक फीडबैक लिया था और उसके हिसाब से क्लियर विनर इज कि हर एक को टेक्नोलॉजी कंपनी कॉरपोरेट के डीएनए में टेक्नोलॉजी रखना कंपलसरी है, उसके बिना ऊपर नहीं जाना है उसको. कोरोना काल की वजह से जो है लोग जो है टोटली जो है आप कह हाँ. सकते हैं कि डिजिटली हो गए हैं. करेक्ट करेक्ट. तो आपके क्या रिएक्शन है और आपको इसके बिजनेस में आपको क्या फायदा? बिल्कुल, आपने एक बढ़िया पॉइंट निकाला कि आज कोरोना ने हमको टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस और भी बढ़ा दी. हमारा एक्सचेंज एक भी दिन बंद नहीं था, दूसरे बिजनेसेस इधर उधर बंद थे, हमारा जो फाइनेंशियल स्टॉक ब्रोकिंग डिड नॉट स्टॉप फॉर वन डे ऑल्सो. सो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. अगर टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते थे तो हम लोग को भी, अगर जो जूने सिस्टम आउटक्राई सिस्टम थे उसमें, तो अपना बिजनेस वुड हैव बीन स्टॉप्ड हैम्पर्ड. तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये कोरोना काल ने हमको सिखाया है कि आप टेक्नोलॉजी यूज करो. और आज ऐसा सिचुएशन हो गया है कि लॉट ऑफ पीपल आर नॉट हैविंग, पीपल कैन यूज कनेक्ट फ्रॉम होम ऑल्सो. सो उनको जैसे राइटली सेड कि भाई अपना हैंडसेट से भी अपन कनेक्ट कर सकते हैं, डेस्कटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं. सो विथ ऑल दिस मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग, द मार्केट इज गेटिंग डिसेंट्रलाइज्ड, मोर इन्वेस्टर पेनिट्रेशन इज हैपनिंग, गांव गांव से लोग ऑनलाइन ट्रेड कर सकते हैं. सो ये एक बड़ा, जैसे बताए ना कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर दैट इज हैपन्ड. एंड ऑफकोर्स कोरोना हैज इंक्रीज इट मल्टीफोल्ड. हाँ जी, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन हम लोग कोरोना काल में क्लाइंट को सीमलेस सर्विस प्रोवाइड कर सके. हमारे एम्प्लॉई भी, उनको भी ये सुविधा थी कि वो घर से भी काम कर सके या ऑफिस आके भी काम कर सके. इतना ज़रूरी था ये सर्विस प्रोवाइड करना जिससे कि सारी इन्वेस्टिंग कम्युनिटी को काफ़ी सुविधा मिली और उनको जब भी पैसे चाहिए थे वो शेयर बेच सके, जो भी उनको इन्वेस्ट करना था वो इन्वेस्ट कर सके, अपनी वेल्थ को भी ग्रो कर सके. अभी लास्ट दो साल में जब कोविड हुआ था तब मार्केट 7,500 पॉइंट था निफ्टी, वो 15,000 को क्रॉस कर गया. तो इन्वेस्टर की वेल्थ भी बढ़ी और उनको अच्छी सर्विस मिली और एट द सेम टाइम जो एम्प्लॉय थे उनको भी कोई दिक्कत नहीं आई. ये सब डिजिटाइजेशन और टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो पाया और इंडिया टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है. हमारा मार्केट काफ़ी मैच्योर है, नए इन्वेस्टर जुड़ रहे हैं. आज हाउसवाइफ है, स्टूडेंट इन हायर एजुकेशन है, पार्ट टाइमर्स है, आईटी प्रोफेशनल्स है, बिजनेसमैन है, वो सारे स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं. तो ये जो सेविंग्स है वो प्रॉपर चैनलाइज हो रही है और वो इकोनॉमिक यूज़ के लिए यूजफुल हो रही है. और ये पीरियड में, कोविड पीरियड में जो डीमैट अकाउंट थे वो 4 करोड़ से बढ़ के 10.5 करोड़ हुए हैं और जो इन्वेस्टर बेस था वो भी 12 करोड़ के ऊपर हो गया है. लोग SIP म्यूचुअल फंड वगैरह जरिए से भी इन्वेस्ट करते हैं. जब लास्ट दो साल में FII ने 2.75 लाख करोड़ का इक्विटी बेचा तो उसके सामने रिटेल इन्वेस्टर, उनकी ताकत देखिए, उन्होंने सारी चीज़ एब्सॉर्ब करी और हमारा मार्केट काफ़ी रेजिलिएंट रहा. ये सारा टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन के लिए पॉसिबल है.